Hello students, today through this video I would like to tell you how to write table in writing task 1. We know this very well. For writing task 1 we have 20 minutes and we have to write a graph with the word length of 150 to 180 word. There are various kind of graphs which students have to write, but on the day of exam they have to write only one task which is given to them by an examiner. So today I am going to discuss how to write the table. The table below shows the number of students enrolled in different subjects in a college for year 2005, 2010 and 2015. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. तो यहाँ पे क्या है, जो टेबल है वो बता रहा है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं एनरोल हुए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एक कॉलेज में, किस ईयर के लिए, 2005, 10 एंड 15 के लिए हुए हैं. तो डेटा जो है हमारी नंबर की टर्म्स में गिवन है और हमें कौन से टेंस में टास्क लिखना है, पास में, क्योंकि ईयर पास के गिवन है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. तो जो राइटिंग टास्क 1 के लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो कौन सा है, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, जिसमें आप डेटा को कंपेयर करेंगे और हाईलाइट करेंगे हर एक एस्पेक्ट को डिटेल में, देन ओवरऑल लिखेंगे. ओवरऑल क्या होता है, हाईलाइटिंग फीचर ऑफ द ग्राफ, जो सब्जेक्टिव रहता है जिसमें आप कोई भी फिगर को मैंशन नहीं करते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन रेज करते हैं, मैम कैन वी राइट ओवरऑल आफ्टर इंट्रोडक्शन. येस, इट इज़ अप टू यू. यू कैन राइट ओवरऑल आफ्टर इंट्रोडक्शन और यू कैन राइट इट इन द एंड. इट लिटरली डिपेंड्स अपॉन यू. इफ आई टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन, इन इंट्रोडक्शन वी हैव टू रिफ्रेज द गिवन क्वेश्चन. Make sure we will not replace the keywords with the given sentence or with the given words. We have to write it in our own words. In introduction we have to use 6 components. What are those? Name of graph, verb, terms, about, place and time. So here you can see the introduction the supply tabular chart gives. Table A ki hai to isliye give verb ki first form ke sath s laga hai, gives aayega. Gives the information kiske terms mein, in terms of number, kiske bare mein de raha hai, about the students who were enrolled in different subjects in a college from 2005 to 2015. तो यहाँ पे क्या है, द सप्लाई टेबुलर चार्ट, ये क्या है, नेम ऑफ ग्राफ है, गिव्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, उसके बाद आपने टर्म्स को हाईलाइट कर दिया, फिर अबाउट करके आपने रिफ्रेस कर दिया है, देन प्लेस बता दिए क्या है, कॉलेज है, टाइम क्या है, फ्रॉम 2005 टू 2015. अब यहाँ से देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डेटा की डिविजन में भी प्रॉब्लम आती है. तो अगर मैं बात करती हूँ तो ये कितने सब्जेक्ट्स हैं, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आई हैव, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो मैं क्या करूँगी, इसको ब्यूटीफुली हम डिवाइड कर सकते हैं कि जो फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स हैं उसको मैं बॉडी पैराग्राफ 1 में हाईलाइट कर देती हूँ एंड रिमेनिंग 3 को मैं कहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगी, बॉडी पैराग्राफ 2 में. तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बॉडी पैराग्राफ 1 के लिए. इट कैन बी क्लियरली सीन दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स वर एनरोल्ड इन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट इन 2015 विद द काउंट ऑफ 972. तो मैंने रिवर्स में उठा लिया कि कब हुए थे, 2015 में एनरोल हुए मैक्सिमम स्टूडेंट्स, किस सब्जेक्ट के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, कितने नंबर के साथ, 972 के साथ. हाउएवर कब यूज़ होता है, जब हमें कंपैरिजन करना होता है. हाउएवर की जगह पे आप वेयर एज, वेयर इन, वाइल, विल्स, इस तरह के कनेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं. हाउएवर मिनिमम वर एनरोल्ड, जो मिनिमम स्टूडेंट्स हैं वो कब एनरोल हुए हैं, 2005 में हुए हैं, कितने नंबर के साथ हुए हैं, 720 के साथ हुए हैं एंड ओनली 870 स्टूडेंट्स टुक दिस सब्जेक्ट इन 2010. और सिर्फ 870 स्टूडेंट्स ने ये सब्जेक्ट को लिया है, कब लिया है, 2010 में लिया है. देखिए, इनरोल होना किसी सब्जेक्ट के लिए मींस उन्होंने उस सब्जेक्ट को चूज़ किया है, ऑप्ट किया है, टेक किया है, दे वर इंटरेस्टेड फॉर दैट सब्जेक्ट. तो आप ऐसे इसके सिनोनिम्स के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं. इंजीनियरिंग हो गया है, उसके बाद हम नया सब्जेक्ट के बारे में हाईलाइट करेंगे. एनालाइजिंग फॉर द मोर देन 900 लर्नर्स वर एनरोल्ड इन आर्ट सब्जेक्ट इन द गिवन 3 ईयर्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 900, 910, 905. तो ये 2005, 10 और 15 में जितना भी काउंट है आर्ट स्टूडेंट का वो कितना है, मोर देन 900 है. तो हाईलाइट करने की जरूरत नहीं थी, सब्जेक्टिव करके हम इसको ऐसे ब्यूटीफुली भी लिख सकते हैं. और ईयर्स को भी कैसे लिखा है यहाँ पे, इन द गिवन 3 ईयर्स, के जो दिए गए 3 ईयर्स हैं स्पेसिफिकली उसके बारे में ही बात की है यहाँ पे. देन फुल स्टॉप करके लॉ के बारे में बात करेंगे. लॉ में मैंने क्या किया है, 652, 620 एंड 730 स्टूडेंट्स चूज, चोजन सेकेंड वर्ब आई है यहाँ पे. पास के बारे में बात कर रहे हैं हम. लॉ सब्जेक्ट इन 2005, 10 एंड 15 सिक्वेंशली. तो पहले काउंट को हाईलाइट कर दिया, फिर ईयर को कि कितने स्टूडेंट्स ने कौन से ईयर में हर सब्जेक्ट लिए है. उसके बाद सिक्वेंशली का फंक्शन ये बताता है कि कौन सी वैल्यू किस ईयर के लिए. सिक्वेंशली की जगह पे आप इंडिविजुअली, अकॉर्डिंगली और रिस्पेक्टिवली जैसे वर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ अप टू यू कि आप कौन सा सिनोनिम यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन मेक श्योर ये नहीं है कि अगर आपने सिक्वेंशली लिखा है तो इससे आपका जो स्कोर है राइटिंग का वो इंक्रीज़ हो जाएगा.
देन रिमेनिंग थ्री को हम कहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, इन द बॉडी पैराग्राफ टू वी आर कंटिन्यूइंग विद द सेम टेबल. तो हम क्या लिखेंगे, द डेटा फर्दर डेमोन्स्ट्रेट्स दैट द काउंट ऑफ लर्नर्स हु वर एनरोल्ड. हु अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, वो इन्फॉर्मेशन को स्ट्रेच करने का काम करता है. द काउंट ऑफ लर्नर्स हु वर एनरोल्ड इन आईटी सब्जेक्ट इन थ्री ईयर्स हैड इंक्रीज्ड फ्रॉम 712 to 940. However, the number of tutees who selected fashion and health subject had decreased with the passage of time. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 712, 845, 940. तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर फैशन के बारे बात करते हैं तो 804, 789, 770, 928, 870, 708. तो इन दोनों सब्जेक्ट्स के जो स्टूडेंट एनरोलमेंट काउंट है वो डिक्रीज हुआ है विद द पासेज ऑफ टाइम, जबकि आईटी में क्या हुआ है, रिवर्स ट्रेंड देखने को मिला, इंक्रीज हुए. तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी रीराइट कर सकते थे. नाउ मूविंग टू द ओवरऑल, ओवरऑल क्या रहेगा, हाईलाइटिंग फीचर ऑफ द ग्राफ रहेगा. तो इसमें हाईलाइट क्या हुआ है कि जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स है वो इंटरेस्टेड थे किस सब्जेक्ट के लिए एनरोल होने में, आर्ट, क्योंकि आर्ट में ही मोर देन 900 स्टूडेंट्स जो हैं एनरोल हुए हैं. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, फ्रॉम द टेबल चार्ट इट इज एविडेंट दैट मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स लाइक्ड टू एनरोल. टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए हमने लाइक के साथ क्या कर दिए, सेकंड वर्ब लगा के इसको पास्ट में कन्वर्ट कर दिया, लाइक टू एनरोल फॉर आर्ट सब्जेक्ट. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू विल डेफिनेटली ट्राई टू राइट योर टास्क वन इन द सेम वे. विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच.